सागर की बहेरिया थाना पुलिस ने 2000 रुपए के नकली नोटों के साथ उत्तर प्रदेश के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से नकली नोट जब्त किए गए हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार सिद्धगुआ स्थित विनायक ढाबे पर एक युवक पहुंचा था। उसने ढाबे पर खाना खाया, बिल 150 रुपए हुआ। बिल देने के लिए ढाबे के मैनेजर को युवक ने 2000 रुपए का नोट दिया। नोट देखते हुए मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने पकड़ लिया और नकली नोट होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम शिवम पुत्र यदुनाथ यादव, उम्र 26 साल, निवासी असेवा, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश होना बताया। तलाशी लेने पर एक नोट हाथ से और एक 2000 रुपए का नोट जेब से बरामद किया गया। दोनों नकली नोटों पर एक ही नंबर था, रिजर्व बैंक हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था। पूछताछ में आरोपी शुभम ने उक्त दोनों नोट नकली होने की बात कबूल की। बहेरिया थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 2000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 489B के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। नकली नोटों के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नकली नोट के माध्यम से दुकान में उसको चलाना चाहता है, उसके बदले में सामान लेना चाहता है। तो इसकी सूचना पर मौके पर जाकर के पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई। तो शिवम यादव, पिता यदुनाथ यादव, ये निवासी कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके पास से 2000 रुपए के दो नकली नोट जो इसने स्वयं स्वीकार किया पाए गए। मौके पर ही नोट की जब्ती की गई।